सरफराज खान को रविंद्र जडेजा ने करवाया रन आउट। जी हां दोस्तों, अपने पहले ही टेस्ट में सरफराज खान तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे थे। 48 गेंद में अर्धशतक लगाकर तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की परेशानियां बढ़ा रहे थे, मगर रविंद्र जडेजा के साथ गलतफहमी के चलते वो रन आउट हो गए। एक तेज सटीक थ्रो ने नॉन स्ट्राइक एंड पर उनका खेल खत्म कर दिया। सरफराज क्रीज पर वापस नहीं लौट पाए और 66 गेंद में 62 रन बनाकर नम आंखों के साथ पवेलियन लौटने लगे। स्टेडियम में मौजूद फैंस इस रन आउट से मायूस थे। टीवी पर नजर गड़ाए बैठे दर्शक भी विश्वास नहीं कर पाए रहे थे कि सरफराज आउट हो गए। उधर ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिएक्शन भी देखने लायक था। हिटमैन ने झुंझलाहट में अपनी कैप सिर से निकाल कर फेंक दी। रविंद्र जडेजा के लिए उनका गुस्सा कैमरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। तो दोस्तों, इस रन आउट में किसकी गलती था, कमेंट्स में बताएं।